सारा खान कुकिंग। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दिवाली के लिए सिंपल और आसान मिठाई, जो कि घर में जो भी सामान होता है उससे हम बना सकते हैं, जो कि 15 मिनट में बनकर रेडी हो जाती है। तो चलिए इसको बनाते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पर हमने ब्रेड लिए, ब्रेड को काट लिया है इस तरह से हमने इसको पीस किए हैं। आप अपनी पसंद से कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने तेल पहले से चढ़ा दिया था, तो अभी तेल गर्म हो चुका, तो मैंने ब्रेड डाल दी फ्राई होने। हमको फ्राई जब तक करना है जब तक गोल्डन ब्राउन ना हो जाए ये ब्रेड। तो चलिए इनको फ्राई कर लेते हैं। ये फ्राई हो चुकी हैं तो हम इनको निकाल लेंगे। और जो बाकी ब्रेड है वो भी इनमें फ्राई कर लेते हैं अभी हम। अभी हमारी सारी ब्रेड फ्राई हो चुकी हैं, तो अभी हम एक कढ़ाई में दूध लेंगे। ये हमने यहाँ पर आधा लीटर दूध लिया है और इसको चलाएंगे। इसमें जब तक अच्छे से खौल नहीं आ जाएगी जब तक हमको इसको पकाना है। और यहाँ पर हमने 2 चम्मच कस्टर्ड लिया है और इसमें हमने ठंडा दूध डाला है। इसको अच्छे से मिलाएंगे। अभी दूध में उबाल आ चुका है तो इसको अभी और पकाएंगे अच्छे से। अभी हमें यहाँ पे 2 चम्मच चीनी डालेंगे और अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। और अच्छे से इसको मिला लेंगे। यहाँ पर हमने कुटी हुई इलायची ली है, ज़्यादा नहीं, इसको हमने पीसा सिर्फ थोड़ा थोड़ा। अभी हम इसमें कस्टर्ड डालेंगे और इसको चलाते रहेंगे जब तक कि गाढ़ा ना हो जाए। हमने गैस थोड़ा तेज कर लिया था।
अभी ये बनकर तैयार है, तो अभी हम इसको 1 मिनट और पकाएंगे, फिर गैस बंद करके इसको दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। जो हमने ब्रेड फ्राई करी थी वो हम इसमें ऐसे रखेंगे। यहाँ पे हम ड्राई फ्रूट डालेंगे, तो इसमें काजू है, बादाम है और अखरोट है और करी है। आपके पास कोई से भी ड्राई फ्रूट हो आप वो डाल सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तो अल्लाह हाफिज़।